YouTube चैनल के अंदर सिर्फ कंटेंट अच्छा रखने से कुछ नहीं होता, थंबनेल अच्छा रखने से भी कुछ नहीं होता, साथ ही में दोस्तों आपका चैनल का लोगो और जो चैनल का बैनर होता है या फिर चैनल आर्ट कह लो, वो भी यहाँ पर दोस्तों एक प्रोफेशनल और एक अच्छा होना चाहिए। अगर दोस्तों आप बिगिनर हैं तो आपको दोस्तों नहीं पता होगा कि एक क्वालिटी के साथ साथ ही में सही तरीके से आप बैनर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो दोस्तों अपना बैनर क्रिएट भी करते हैं, जो अपने मोबाइल की पिक्सल एप्लीकेशन है या फिर पिक्सआर्ट बोलो, तो उन सभी के अंदर अपना लोगो क्रिएट करते हैं, लेकिन वैसे में दोस्तों वहां पर आपने देखा होगा कि आपको जिस क्वालिटी में चाहिए तो वो क्वालिटी वहां पर आपको नहीं मिलती। आप यहां पर दोस्तों अपना बैनर तो क्रिएट कर लेते हैं, अपना लोगो भी क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन वहां पर आपको क्वालिटी अच्छी नहीं मिल पाती। आपने काफी सारे ऐसे यूट्यूबर के चैनल के ऊपर देखा होगा कि उनका जो चैनल का बैनर होता है या फिर चैनल आर्ट होता है वो दोस्तों काफी क्वालिटी के साथ होता है और काफी बढ़िया भी होता है। और ऐसे में दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके चैनल के ऊपर भी इस तरीके का यानी कि क्वालिटी के साथ और प्रोफेशनल तरीके का बैनर हो, तो वो हम दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से दोस्तों आप काफ़ी आसानी से वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जो अपने बैनर है उसके लिए आपको टेम्पलेट भी मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको सिर्फ अपना लोगो है तो लोगो ऐड कर सकते हैं या फिर अपना टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, अपनी इमेज ऐड करना चाहे तो इमेज भी ऐड कर सकते हैं। काफ़ी आसान है और वहाँ पर आपको क्वालिटी के साथ भी वो आपका बैनर भी आपको मिल जाएगा और काफ़ी आसान है लगाना आपको बैनर लगाना का। आपको पता ही होगा कि वाइट स्टूडियो में जाएंगे तो वहाँ पर आप दोस्तों जो कस्टमाइज है वहाँ पर आपको बैनर लगाने का ऑप्शन वहाँ पर आपको मिल जाता है, लेकिन उसे क्रिएट करना कैसे है, उसे क्वालिटी के साथ एक बढ़िया सी यानी कि ओरिजिनल क्वालिटी होनी चाहिए, फुल एचडी के साथ क्वालिटी भी होनी चाहिए बैनर की, तो वो हम आपको आज की वीडियो में देने वाले हैं, यानी कि परफेक्टली बताएंगे कि कौन सी वेबसाइट है, कहाँ से क्रिएट करना है, तो वो हम आपको आज की वीडियो में आगे बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा, चैनल पे पहली बार है और ऐसी और भी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर यूट्यूब के रिगार्डिंग साथ ही में आपको हम स्मार्टफोन के बारे में और ऐसी ही दोस्तों आपको इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर आपके पास दोस्तों कोई पीसी या लैपटॉप नहीं है तो यहाँ पर मैं आपको जो प्रोसेस बताने वाला हूँ वो आप अपने फ़ोन के अंदर भी कर सकते हैं। सिंपली आप अपने फ़ोन ब्राउजर में जाइए, वहाँ पर आपको दोस्तों 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके इसे डेस्कटॉप साइज में ओपन कर लेना होगा। फिर यहाँ पर आपको दोस्तों मैं जो भी प्रोसेस बताऊंगा वो आप अपने फ़ोन के अंदर भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप दोस्तों एक प्रोफेशनल और एक एचडी क्वालिटी में आप अपना बैनर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों साइट जिसका नाम है canva.com, काफ़ी सारे लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा लेकिन इसे यूज़ कैसे करना है वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, इसकी लिंक है वो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए और यहाँ पर आपको दोस्तों कुछ परचेस करने वाले इमेज भी होते हैं, तो अगर आप मेरे लिंक के ऊपर से जाएंगे तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसे हद तक जो फोटोज होते हैं वो यहाँ पर आपको दोस्तों जो फोटो या टेम्पलेट बोल लो वो यहाँ पर आपको कुछ हद तक फ्री में मिल जाएंगे। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर क्लिक करके आप इसके अंदर अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपको क्रिएट डिज़ाइन का ऑप्शन है, तो सिंपली इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इंस्टाग्राम के पोस्ट के रिगार्डिंग है, कोई लोगो क्रिएट करना चाहे तो भी यहाँ पर आप दोस्तों कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अभी हम देखने वाले कि आप बैनर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर आपको लिखना होगा यूट्यूब, तो जैसे YouTube लिखेंगे तो YouTube चैनल आर्ट का ऑप्शन है जो यहाँ पर अभी हमें क्रिएट करें। उसके अलावा अगर आप थंबनेल भी कैसे क्रिएट करना है एक प्रोफेशनल तरीके से तो वो भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, एक अगली वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ तो नीचे कॉमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको कंप्लीटली इसका एक ट्यूटोरियल बताऊंगा कि आप कैनवा के जरिए किस तरीके से एक अच्छा और क्वालिटी के साथ साथ में प्रोफेशनल तरीके से अपना थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। और काफ़ी बढ़िया है ये दोस्तों वेबसाइट भी है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे फीचर भी देखने को मिल जाते हैं। अभी हम देखने वाले हैं कि YouTube का चैनल आर्ट किस तरीके से यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली YouTube चैनल आर्ट के ऊपर हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर होम फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको टेम्पलेट के भी ऑप्शन है। अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि हमें कोई टेम्पलेट बनाना नहीं आता और आप बिगिनर हैं तो आप यहां से दोस्तों कोई भी टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हैं और ये दोस्तों कॉपीराइट फ्री टेम्पलेट है, यहां से आपको कोई भी कॉपीराइट भी नहीं आने वाली और काफ़ी बढ़िया बढ़िया टेम्पलेट भी है यहां पर आप देख सकते हैं। अब जो भी अगर आप मेरे चैनल के ऊपर जाइए वहां पर जो चैनल आर्ट है वो अगर आप यूज़ करना चाहें तो भी यहाँ से आप कर सकते हैं, जो यहाँ पर आप देखिएगा इस टाइप का है। तो यहाँ पर आप अपना नेम चेंज कर दिए, अगर आप बैकग्राउंड यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपलोड में जाइए और आपकी जो भी अपलोड फाइल है वो आप अपलोड मीडिया में जाकर आप अपलोड कर सकते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पर मैंने फोटोज़ भी अपलोड किए हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको एलिमेंट का भी ऑप्शन है, इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि एलिमेंट में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर कोई रस्सी का यहाँ पर आपको इमेज चाहिए या फिर यूट्यूब लोगो का है या कोई भी अगर आपको लोगो चाहिए यहाँ पर आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं सर्च में जाऊँगा देख सकते हैं स्क्वायर है या फिर वेव का ऑप्शन है,
या फिर आप शौक का कोई इमोजिन लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप रख सकते हैं, या फिर स्टिकी नोट है, कुछ भी आप सर्च करेंगे वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और इसकी मैंने आपको लिंक के ऊपर से ज्वाइन करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि आप देख सकते हैं ये सारे फ्री हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पेड भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रो वाला, यानी कि इसे आप आपको यूज करना है तो आपको इसका जो प्रो वर्जन है वो यहाँ पर आपको परचेस करना होगा। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको $1 के लिए यहाँ पर आपको पूछा भी जाएगा। आप देख सकते हैं इसका वाटरमार्क रिमूव करना है तो ये देखिए यहाँ पर आपको $2 का है ये। तो अगर आप इस तरीके के जो टेम्पलेट इसके होते हैं वो यहाँ पर आप फ्री में यूज़ करना चाहते हैं तो नीचे लिंक के वहाँ से ज्वाइन कीजिएगा। तो कुछ हद तक आपको टेम्पलेट बोल लो या इमेज बोल लो, इसके कुछ एलिमेंट है वो यहाँ पर आपको दोस्तों फ्री में मिल सकते हैं। तो वहाँ से आप दोस्तों ज्वाइन कीजिएगा और अपने फ्रेंड को भी ज्वाइन करना, तो अपने लिंक शेयर करके उन लोगों को भी वहाँ पर ज्वाइन करना, तो आपको भी यहाँ पर दोस्तों इस टाइप के जो एलिमेंट है वो यहाँ पर आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप टेम्पलेट के ऊपर क्लिक कीजिएगा, फिर आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने जो अभी क्रिएट किए वही यहाँ पर मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पर फोटोज़ में आइए तो यहाँ से आप कोई भी फोटो भी ले सकते हैं। अगर आप कोई भी ब्लैक यहाँ पर व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए तो व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कीजिए, ब्लैक चाहिए तो ब्लैक बैकग्राउंड लिखिए, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। ये जो फ्री वाले वही यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ये प्रो वाले यूज़ करना चाहे तो यहाँ पर आपको पैसे देने पड़ेंगे, इसका जो भी प्राइस होगा $1 या $2 होगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई फाइल है तो वो भी यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये इस वाली फाइल को यहाँ पर डाल देता हूँ तो जैसे कि अभी देख सकते हो तो पीछे का येलो कलर का था वो यहाँ पर अभी नहीं आ रहा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसे यहाँ पर हम परफेक्टली साइज के अंदर फिट कर देते हैं। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ऊपर आपको पोजिशन का ऑप्शन है तो वहाँ पर आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन है तो उसे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर ये आ चुका है आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप डबल क्लिक कीजिए और आप अपना नाम यहाँ पर जो भी रखना चाहे वो यहाँ पर आप रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपने चैनल का नाम है टेक्नो रुतु करके, तो यहाँ पर दोस्तों मेरे अपने चैनल का नाम लिख दिया है तो आप भी लिख सकते हैं और इसे परफेक्टली यहाँ पर दोस्तों सेट कर देना है। काफ़ी सारे लोगों को दोस्तों परेशानी होती है कि जो चैनल आर्ट बनाते हैं तो उसे परफेक्टली सेंटर में वो नहीं ला पाते। आपने देखा होगा कि आप चैनल आर्ट क्रिएट करते हैं लेकिन वो आपका पीसी में अगर सेंटर में नहीं आता या फिर आपके फ़ोन के अंदर परफेक्टली सेट नहीं हो पाता, तो यहाँ पर आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आप रखेंगे, यानी कि जो यहाँ पर साइज़ दी गई है उसी साइज़ में यहाँ पर आप सेट कर दीजिएगा उसी तरीके से, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। कोई भी नाम रख दीजिए, अगर आपको अपना लोगो रखना है तो अपलोड में जाइए और आपका चैनल का लोगो है वो भी यहाँ पर आप रख सकते हैं। ये मेरा पुराना वाला लोगो है जो मैंने यहाँ पर अपने चैनल के ऊपर था, अभी लोगो मैंने चेंज कर दिया है। तो इस वाले लोगो को अगर मैं यहाँ पर सेट करना चाहूँ, या फिर अगर आपकी कोई इमेज है, मान लो अगर आपकी कोई इमेज है जैसे कि इस वाले इमेज है, आपने कोई अच्छी ऐसी अपने एक इमेज यहाँ पर रखना चाहते हैं, आपने देखा होगा काफ़ी सारे यूट्यूबर रखते भी है, तो उस इमेज को यहाँ पर आप परफेक्टली सेट भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप कुछ भी इमेज यहाँ पर रख सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं यूट्यूब का लोगो रखना चाहूँ तो सिंपली एलिमेंट में जाऊँगा और यहाँ पर सर्च में मैं लिखूँगा यूट्यूब, यूट्यूब करके जैसे यहाँ पर दोस्तों मैं सर्च करता हूँ देख सकते हैं काफ़ी सारे फ्री में मुझे यूट्यूब के लोगो देखने को मिल जाते हैं। सिंपली क्लिक करना है तो ये लोगो यहाँ पर आ जाएगा और इसकी साइज़ थोड़ी कम कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसके ऊपर रख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसे परफेक्टली यहाँ पर सेट कर लिया है, तो आप भी इस तरीके से यहाँ पर इसे दोस्तों सेट कर दे सकते हैं। आपको आपके माइंड में आपको कौन सा आइडिया है, किस तरीके से यहाँ पर आपको सेट करना है अपना बैनर या बनाना है, किस टाइप का बनाना है, तो वो यहाँ पर आप अपने तरीके से रख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है कि किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में ये टेक्स्ट के अंदर जाएंगे तो आप और भी टेक्स्ट यहाँ पर ऐड करना चाहे कर सकते हैं। सिंपली अगर इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी टेक्स्ट लिख दीजिए। अगर आप इसका टेक्स्ट की साइज़ या फिर इसके जो टाइप है वो यहाँ पर चेंज करना है तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए और भी कई कई अलग अलग साइज़ के यहाँ पर आप टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये रेगुलर टाइप का है। इसके अलावा आपको जो भी पसंद हो वो यहाँ पर आप दोस्तों यूज़ करना, काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर ये वेबसाइट है। अगर इसका कलर चेंज करना है तो कलर में जाइएगा, टेक्स्ट कलर में, तो यहाँ से आप इसका टेक्स्ट का जो कलर है वो भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। रेड कलर मैंने सिलेक्ट किया, फिर इसे बोल्ड करना है तो यहाँ से आप इसे बोल्ड भी कर सकते हैं, तो कुछ भी यहाँ पर आप इसे सेट कर सकते हैं। अगर बैकग्राउंड का हो गया तो यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर आप इसे एडजस्ट करना चाहिए या फिर फिल्टर लगाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। अगर कोई इफेक्ट लगाना है, अगर आप इफेक्ट लगाएंगे तो यहाँ पर इसका क्या होगा कि इसका 5 सेकंड का वीडियो क्रिएट हो जाएगा, आपके जो यहाँ पर आपका बैनर है उसका एक वीडियो क्रिएट हो जाएगा। अब ध्यान रखिए, अगर आपको वीडियो क्रिएट नहीं करना, बैनर क्रिएट करना है, तो आप फिल्टर का इफेक्ट को यूज़ मत करना, फिल्टर एडजस्ट या फिर क्रॉप कर दीजिए अगर आपको कुछ क्रॉप करना है।
तो वो यहाँ पर आप दोस्तों कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी खासी वेबसाइट है, आप इसे यूज़ कीजिएगा। और मैं दोस्तों पर्सनली इसी वेबसाइट को यूज़ करता हूँ, अपना बैनर बनाने के लिए भी मैंने इसी को यूज़ किया था और थंबनेल बनाने के लिए भी मैं इसी वेबसाइट को यूज़ करता हूँ प्रोफेशनल तरीके से। और अच्छी खासी थंबनेल कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में जानना है तो नीचे कॉमेंट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों आज की वीडियो हमारी आपको जरूर से पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है और ऐसी और भी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं तक ही रखते हैं, मिलते हैं अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया आप सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत।